अपराध की दुनिया का खास शो क्राइम फर्स्ट देख रहे हैं आप और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द इसको सब्सक्राइब कर दें क्योंकि इसमें बहुत ही खास जानकारी उन तह तक हम निकालने की कोशिश करते हैं जो कि सामान्य तौर पर सामने नहीं आती और आज हम बात कर रहे हैं अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलेम की जी हाँ उन्नीस के मुंबई बम विस्फोट के आरोपी अबू सलेम को पुर्तगाल से प्रत्यर्पण करके भारत सरकार लेकर आई थी तब से लेकर अब तक अबू सलेम भले ही जेल में बंद है लेकिन उसकी दहशत लगातार जेल की चार दीवारियों से बाहर आती रही है और अब एक बड़ा मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है अबू सलेम के वकीलों ने एक दलील पेश की है यूं कहें एक बड़ा दाव खेला है कि अबू सलेम को जल्द से जल्द रिहा किया जाए इस दलील के पीछे कौन से तर्क दिए गए हैं और क्या यह दाव अबू सलेम को सलाखों के बाहर आएगा इस पर पूरी चर्चा करेंगे हमारे साथ इस विषय पर कोई और नहीं बल्कि अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलेम के भोपाल में वकील जितेंद्र सोनी मौजूद हैं। जितेंद्र जी आपको बहुत बहुत स्वागत है जितेंद्र जी क्यों आपको लगता है और वो कौन सी ऐसी दलील है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अब केंद्र सरकार और केंद्रीय एजेंसियों को चार हफ्ते का वक्त दिया है पिछली सुनवाई में वो कौन से सी ऐसी दलील है जिसकी वजह से अब आप, आपको लगता है कि अब सलेम सलाखों से जल्द बाहर आ जाएगा देखिए आशुतोष जी सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि जो एक शब्द आपने यूज़ किया दाऊँ बेसिकली वो दाऊँ नहीं है क्यों क्योंकि नो वन इज अबव द लॉ वो भी एक सिटीज़न है दलील दलील सिर्फ ये है कि जब एक्सटेंडिशन हुआ उस एक्सटेंडिशन के टाइम पर यूनियन ऑफ इंडिया ने सी बी ने ये एश्योरेंस दिया था पोर्टुगल गवर्नमेंट को कि हम 25 साल से ज़्यादा की इसको कन्विशन भी नहीं रखेंगे डेथ पेनल्टी नहीं देंगे और किसी थर्ड कंट्री को हम राइट right नहीं करेंगे उसके बाद 2012 में पोर्टुगल गवर्नमेंट ने एक्सट्राडिशन कैंसिल कर दिया कैंसिल करने के बाद भी वो ट्रायल चलाई गई इवन देन उसमें कन्वर्ट किया गया तो उसमें ट्वेंटी फाइव के अलावा जो लाइफ एम्प्रिजमेंट को इम्पोज कर दिया उसी को हमने बॉम्बे ब्लास्ट और प्रदीप जैन मर्डर केस में हमने चैलेंज किया ऑनरेबल हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट मतलब आप ये कह रहे हैं कि 2002 में पुर्तगाल में उनको जब हिरासत लिया हिरासत में लिया गया था अबू सलेम को तब से ही वो जो जो 25 साल का जो पीरियड है उसको काउंट किया जाना चाहिए बजाय 2005 में जबकि पुर्तगाल से अबू को भारत लाया गया था एग्जैक्टली exactly. ठीक है उसमें रेमिशन दिया है ऑलरेडी जो एक्सटेडिशन एक्ट है उस एक्सटेडिशन में जो दिया गया है उसमें यह है कि जो जिस दिन से उसकी कस्टडी ली गई है उस दिन से ही उसकी वो जो कस्टडी काउंट होगी मतलब 18 सितंबर 2002 से और 11 ग्यारह दो को यहाँ इंडिया में प्रोड्यूस किया गया और 11 ग्यारह दो हज़ार के बाद से जो इंडियन गवर्नमेंट है उसको क्लेम कर रहा है कि हम जो जो ट्वेंटी फाइव का जो पीरियड है हम वहाँ से काउंट करेंगे बात इसकी भी नहीं है बात यह है कि जो आपने एश्योरेंस वहाँ पोर्टुगल गवर्नमेंट में दिया है ट्वेंटी फाइव ईयर्स डेथ पेनल्टी नहीं देंगे और किसी थर्ड पार्टी को थर्ड कंट्री को हम एक्सट्राइट नहीं करेंगे तो उससे इंडियन गवर्नमेंट कहीं ना कहीं मुकर गई है इसी को लेकर हमने माननीय उच्चतम न्यायालय में एक अपील फाइल की थी नहीं अभी भी है अभी तो पच्चीस साल तो अभी हुए भी नहीं है मतलब दर्शकों दर्शकों को, को समझाने के लिए मैं कहूँगी कुछ शब्द क्योंकि अंग्रेजी के बीच में आए थे कि भारत सरकार ने जब पुर्तगाल से प्रत्यर्पण किया था क्योंकि कई देशों के साथ भारत की प्रत्यर्पण संधि है यानी कि भारत का अगर कोई गुनहगार है कोई अपराधी है और वो उनके दूसरे देश में जाकर अगर रुका होता है पन्हा लिया होता है तो भारत की प्रत्यर्पण संधि के तहत उससे वहां से लाया जा सकता है और भारत सरकार के कानून के हिसाब से उसे सजा दी जा सकती है इसी स्थिति में दो साल दो में अबू सलेम अंडरवर्ड ऑन अबू सलेम जो कि उन्नीस सौ का मुंबई बंद विस्फोट के आरोपी है और कई तरह के आ, उनके एक्सटेडिशन के भी एक्सट्रशन के भी काफी केस उन पर है वसूली जिसे कहते हैं तो उनके दो दो में जब उनको वहां से लाया गया था प्रत्यर्पण करके अबू सलेम को तो अबू सलेम के वकील साहब ये कह रहे हैं कि उस समय जो भारत सरकार ने पुर्तगाल सरकार को जो वायदा किया था उसमें कहा गया था कि हम 25 साल से ज्यादा की उन्हें सजा नहीं देंगे और दूसरा किसी और दूसरे देश में दूसरे और मुल्क में उनको भेजा नहीं जाएगा और तीसरी क्या सजाए मौत नहीं दी सजाए मौत नहीं जाएगी लाइक मतलब कि उनको डेथ पेनल्टी, पेनल्टी सजाए मौत नहीं दी जाएगी तीन चीज का आश्वासन वहां पर भारत सरकार ने दिया था तो इसमें क्या उल्लंघन का हो रहा है उल्लंघन ये वो हमने डिप्लोमेटिक चैनल के थ्रू भी पे अप्रोच किया कि साहब आपने जो एश्योरेंस दिया था क्योंकि 2012 में पोर्टुगल गवर्नमेंट ने वो एक्सटेंडिशन ख़त्म कर दिया और उसके तहत ये था कि आपको वापस भेजना था बट आपने वापस नहीं भेजा आपने इलीगल ट्रायल चलाया यहाँ पर और इलीगल ट्रायल चला के आपने कन्वर्ट कर दिया और उसकी कोई सुनवाई नहीं थी तो बेसिकली ये दाऊँ नहीं था ये एक एक सिटीज़न की एक गुहार थी न्यायालय के लिए कि दो सोवराइन कंट्रीज़ के बीच में जो ट्रीटी हुई है या जो डिक्री हुई है उसका आप वायलेशन कर रहे हैं और इसी को वायलेशन मानते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 2 फरवरी 2022 को ये ऑर्डर किया है कि सीबीआई और यूनियन ऑफ इंडिया इस बात का शपथ पत्र दे कि आप 25 साल तक उसको रखेंगे या लाइफ एम्ब्रेसमेंट तक उसको रखेंगे और इसमें अगली सुनवाई जो है आठ मार्च दो को है आ... लाइफ इंप्रिजमेंट यानी कि उम्र कैद की सजा भारत सरकार क्यों नहीं दे सकती कोर्ट क्यों नहीं दे सकती है भारत की कोर्ट इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि आपने दूसरी सोवराइन कंट्री के साथ में एश्योरेंस दिया है कि हम इसको 25 इयर्स क्योंकि वहां पर उन्होंने अब सबसे पहली बार तो ये एक्सटेडिशन जो था वो कैंसिल ही कर दिया था उन्होंने इनका प्रपोजल रद्द कर दिया था उसके बाद सुप्रीम कोर्ट पुर्तगाल में उन्होंने जब ये फाइल किया तो वहां पर इन्होंने एश्योरेंस दिया उस एश्योरेंस के बाद में ये एक्सटेडिशन हुआ है अबू सालिम का इसके पहले एक्सटेंशन हुआ ही नहीं था तो 2002 के बाद जो 28 मार्च 2003 को जो एक्सटेंशन ऑर्डर हुआ मिनिस्ट्रियल ऑर्डर हुआ है उसके तहत उसको लाया गया है और उसमें कंडीशन प्रेसिडेंट ये है कि 25 इयर्स मतलब 25 इयर्स तो आप उसके बियॉन्ड तो आप जा ही नहीं सकते हो कितनी उम्मीद है वकील साहब आपको कि सुप्रीम कोर्ट में आपकी दलील जो है वो मजबूती के साथ आप लोग रख पाएंगे क्योंकि इसमें केंद्र सरकार का और केंद्रीय एजेंसीज का भी जवाब आना बाकी है माननीय उच्चतम न्यायालय से मुझे बहुत उम्मीदें हैं इस बारे में कि वो उन्होंने एक स्टैंड लिया है कि आप कम से कम इस बात का शपथ पत्र तो दीजिए कि पच्चीस साल रखेंगे अभी तक तो यही क्लियर नहीं है ना वो मामला लिंगर ऑन करते जा रहे हैं बार बार लिंगर ऑन हो रहा है इस कारण से हमने वो इस बार प्रेस करके उसको बोर्ड पे लगवाया मैटर को और बोर्ड पे लगवाने के बाद में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये एसटीम ऑर्डर पास किया अगर 25 साल अगर मान लिया जाता है अगर एक फर्ज करें तो आपके मुताबिक अबू सलीम की रिहाई हो सकती है और अगर होती है तो 25 साल का पीरियड कब तक खत्म हो रहा है इसमें रेमिशंस भी हैं अभी तक तेईस साल सात महीने का पीरियड हो चुका है विद रेमिशंस अकॉर्डिंग टू द एक्सटेंडेशन ऑफ पोर्टुगल तेईस साल तीन सात महीने का मतलब रियायत यस रियायत तेईस साल सात महीने हो चुके हैं और गुड कंडक्ट के ऊपर भी क्योंकि अभी तक उसके बारे में जेल में रहने के बाद ये नहीं सुना गया कि कोई वो गैंग संचालित कर रहा है या कोई दूसरी इलीगल एक्टिविटीज़ में वो शामिल है या कोई गैंग फॉर्म कर रहा है इस सब का आर के थ्रू हमने निकाला हुआ है तलोजा जेल से और वो हमारे पास है उसको भी हम सबमिट करेंगे और माननीय उच्चतम न्यायालय से इस बात की मांग करेंगे कि उसको रिहा किया जाए मतलब कि डॉन अबू सलेम के अच्छे व्यवहार की वजह से भी अब इनकी दलील ये रियायत भी मांगी जाएगी और उम्मीद ये इस बात की उम्मीद कर रहे हैं कि हो सकता है कि जो 25 वर्ष का जो टाइम फ्रेम है उसे और कम किया जा सके और ऐसे ऐसे में तो फिर और जल्दी अब उम्मीद करेंगे वो बाहर आ सकते हैं यस करेक्ट चलिए ठीक है तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये जो केस है अंडर डॉन अबू सलेम से जुड़ा हुआ है जिसमें अगली सुनवाई किस तारीख को है आठ मार्च दो मार्च 2022, आठ मार्च दो हजार बाईस को अबू सलेम की किस्मत पे फैसला आ सकता है कि वो सलाखों से बाहर आते हैं या नहीं आते और आते हैं तो कब तक आते हैं क्योंकि तो ये बहुत ही राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ विषय है अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलेम एक बड़े कहा जा सकता है कि अंडरवर्ल्ड का चेहरा रहे हैं और मुंबई बम धमाकों के आरोपी भी हैं और ऐसी स्थिति में केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों को बहुत ही सतर्कता से यहाँ पे जवाब देना होगा अगर उन्हें अबू सलेम को सलाखों के पीछे रखना है और यहां पर अबू सलेम के वकील पूरी तरह से यहां पर कह रहे हैं कि उनके पास वो तमाम तर्क हैं वो आधार हैं वो दलील हैं जिसके जरिए वो अबू सलेम को जल्द ही सलाखों के बाहर लेकर आएंगे तो देखना दिलचस्प होगा कि आखिर कोर्ट इसमें सुप्रीम कोर्ट इसमें क्या कुछ फैसला सुनाते हैं इस तमाम पहलुओं पर नजर लगातार बनी रहेगी अपराध से और अपराध की दुनिया से जुड़ी तमाम ऐसी ही रोचक जानकारियों के लिए आप देखते रहिए इंडिया फर्स्ट का खास चैनल क्राइम फर्स्ट मुझे यानी आशुतोष को दीजिए इजाजत नमस्कार अपराधी कितना भी शातिर हो क्रिमिनल कितना भी खतरनाक हो गुंडे कितने भी बेखौफ हो अगर आप है सावधान तो आप टाल सकते हैं कोई भी वारदात हम करेंगे आपको कॉलर तो कि क्राइम से पहले क्राइम फर्स्ट देखिए क्राइम फर्स्ट मिशन अगेंस्ट क्राइम सिर्फ इंडिया फर्स्ट न्यूज पर